शिल्पा शेट्टी ने 12 सालों में ग्लैमरस रोल्स के साथ हर तरह के किरदार निभाए, पर फिल्म फिर मिलेंगे को इंटरनेशनल अक्लेम मिलने के बाद अब शिल्पा शायद नॉन ग्लैमरस रोल्स की तरफ बढ़ चुकी हैं। पर शिल्पा ने एक फिल्म की खामोश, जिसमें उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। आई थिंक मुझसे ज्यादा फिल्म को ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और जो मैंने काम किया है मैं उसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। हाँ, और मैं उसका ऑनेस अपने आप पे लेने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इसका ब्लेम किसी और पे नहीं डालना चाहती। हाँ, कुछ पिक्चरें चल जाती हैं, कुछ पिक्चरें पसंद आ जाती हैं, कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं पसंद आती। तो आई थिंक इट्स दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव दैट, यू हैव टू मूव ऑन। एक खास बात और है, वो ये कि खामोश के रिलीज से पहले ही शिल्पा ने दीपक तिजोरी के साथ दूसरी फिल्म फरेब भी साइन कर ली। तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। खामोश एक अलग किस्म की पिक्चर थी, उसका जॉनर अलग था। फरेब बिल्कुल ही हटकर है खामोश से। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन करके साइन नहीं की थी पिक्चर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं साइन करूँगी। बहुत मतलब अनवांटेडली मैंने स्क्रिप्ट सुना दीपक के कहने पे, क्योंकि एट दैट पॉइंट आई डिडंट वांट टू डू दैट मच वर्क। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद शमिता के साइन होने के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि आई फेल्ट दोनों रोल्स जो थे जस्टिफाइड थे। और बस डर इस बात का लगा मुझे कि हम लोग उस रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। और मुझे पता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, और अब जहर अच्छी चली है तो शमिता ऑल्सो इज़ रिकग्नाइज नाउ फॉर हर वर्क। सो इट वॉज वी हैड टू लिव अप टू अ लॉट ऑफ यू नो एक्सपेक्टेशंस। शिल्पा के लिए फिल्म फरेब काफी स्पेशल है, और स्पेशल हो भी क्यों नहीं, आखिर उनकी छोटी बहन शमिता पहली बार जो साथ हैं। काफ़ी एक्साइटिंग रहा, मुझे पता है कि ऑडियंसेस के एक्सपेक्टेशंस होंगे, एक इंट्रीग रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन आई रियली होप दैट वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस और वी लिव अप टू आवर रोल्स। बस यही हमारी कोशिश रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए। द एक्साइटिंग सॉन्ग इज़ द जुगलबंदी दैट वी शॉट एंड बिटवीन शमिता एंड मी, सो दैट्स गोना बी रियली रियली टफ for you all to decide who you all should be watching on screen. Film Khamosh ne darshakon ki zuban kholi aur Shilpa ko khamosh kar diya. Ab dekhte hain Fareb kiske saath Fareb karti hai, Shilpa ke saath ya darshakon ke saath.